हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्र के नाच के इस क्लास में, और आप सबों को पीरियोडिक टेबल के अगले पड़ाव पर आपको लेकर के चलते हैं। आपने देखा था कि पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से तत्वों का समावेशन किया हुआ है, और किस प्रकार से ये तमाम तत्व जो हैं वो आपके वर्गों में और आवर्तों में, यानी कि ग्रुप में और पीरियड में बिखरे पड़े हैं। आपने यह भी देखा था छात्रगण कि मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है मोसले की, उस आवर्त सारणी में पूरे तत्व हॉरिजेंटल रोज यानी कि आवर्त और वर्ग यानी कि वर्टिकल रोज, कुल 7 आवर्त और कुल 18 वर्गों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आज की क्लास में छात्रगण, इन तमाम तत्वों को मोसले ने और कई रूपों में डिफाइन किया है, और इन पूरे तत्वों को कई ग्रुपों में बांटने का इन्होंने प्रयास किया है छात्रगण। उन्हीं स्थितियों में आज आपको हम 3 पड़ाव पर लेके चलेंगे, जहां पर इसकी स्पेशल कैटेगराइजेशन होगी। कुल 118 तत्व जो आज की तिथियों में खोजे गए हैं, उन 118 तत्वों की कैटेगराइजेशन की गई है, और ये कैटेगराइजेशन धातु, अधातु और उपधातु के रूप में किया गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल पर जब आप नज़र दौड़ा करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि धातु, अधातु और उपधातु में ही तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो छितरे पड़े हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जो तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है, जो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के रूप में किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है, उसकी बातें करते हैं। तो पूरे तत्व धातु, अधातु और उपधातु में बटे पड़े हैं। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं, है ना, धातु की पहचान। धातु की नेक्स्ट हेडिंग आपकी वही बन जाएगी, धातु की पहचान को लेकर के। धातु की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, धातुओं की पहचान। इन तमाम धातुओं की पहचान सीखेंगे। देखिए, धातु की अगर पहचान करें एक एक करके, मैंने पहले ही बताया कि पूरे मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण का आधार आवर्त और वर्गों के अलावा धातु, अधातु और उपधातु के रूप में भी किया गया है। ये धातु, अधातु और जो उपधातु में जो बांटा गया है इन सभी को, उसके रिस्पेक्ट में हम कैसे काम करेंगे, उनकी बातें हम सब यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धातु की पहचान। देखिए, सिंपली धातु की पहचान करने के लिए अगर आप पूरे एलिमेंट का नाम जानते हैं, जो इसका ओरिजिनल नाम है, अगर आप वो नाम जानते हैं तो आप देखिएगा कि आप इजीली पकड़ लेंगे। कारण क्या है कि जब आप किसी भी एलिमेंट का उच्चारण करते हैं, सपोज कीजिए कि आप बोले सोडियम, पोटेशियम, जर्मेनियम, बेरिलियम, कुछ भी आप बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में आप अम का उच्चारण करते हैं। आप देख लीजिए, आपको मैं कुछ मैं नाम लिखता हूँ, अपने आप आपको समझ में आएगा। सोडियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, स्कैंडियम, है ना, टिटैनियम, भनाडियम, क्रोमियम, आप हर एक में देखिएगा लास्ट में जो उच्चारण है आम का, आम का, आम का, आम का, आम का। तो एक सबसे बड़ी ट्रिक निकल करके ये आ जाती है कि किसी भी तत्व का उच्चारण करें, और उच्चारण के फलस्वरूप यदि उसमें अम आ जाए, अगर हम उच्चारण करें और उच्चारण के फलस्वरूप यदि उसमें अम से अंत हो, उच्चारण अगर अम से हो, तो ये समझा जाना चाहिए कि दिया गया तत्व मेरा धातु है। लेकिन आपके दिमाग में, और जिसमें अम नहीं आएगा वो अधातु होगा। सिंपल सी बात है, जिसका उच्चारण करेंगे आम नहीं आएगा तो अधातु होगा। अब आप फटाक से, कई बच्चे जब मेरी ये क्लास कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में जा रहा होगा, आए सर तो फिर आयरन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आयरन जिसको हम लोग एफी बोलते हैं, लेड के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसको हम लोग पीवी बोलते हैं, मरकरी के बारे में आपको क्या ख्याल है जिसको हम लोग एचजी बोलते हैं। ये तमाम धातु, ये तीनों भी धातु है छात्रगण। मैं आपको बताऊं कि जब इसके ओरिजिनल नाम पर आप जाएंगे तो एफी को आयरन ना कह करके फेरम कहा जाता है, फेरम। पीबी को लेड ना कह करके उसको पेबिलियम कहा जाता है।
उसी तरह एच जी को मरकरी ना कह करके उसको मर्क्यूरम कहा जाता है। तो मेरे द्वारा बताया गया जो ट्रिक है वो एकदम से ऑब्वियसली लागू होता है, लेकिन इसके लिए आपको निश्चित रूप से ये सीखने की आवश्यकता होगी छात्रगण कि प्रत्येक जो तत्वों के नामकरण हैं उसके नाम आपको ओरिजिनल में आना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि आप विज्ञान के छात्र नहीं हैं। विज्ञान के छात्र होने के बावजूद भी किसी को 118 तत्वों का नाम याद नहीं रह सकता है कि इसको क्या नाम है, ओरिजिनल नाम है। 10, 20, 30, 40 लोग याद रखते हैं लेकिन उसके बाद नहीं रखते हैं। इस कारण आइए इसके दूसरे ट्रिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि धातुओं की पहचान हम सब कैसे कर पाएंगे। तो आइए धातु की पहचान करते हैं। तो एक आम वाला ट्रिक एकदम याद रखिएगा सीधे सीधे कि हाँ भाई आम वाला ट्रिक से जो है ये बन जाता है, ये एकदम दिमाग में आपको रखना है पूरी तरह से। और बहुत ही मज़े तरीके से हम लोग आम का ट्रिक से जो है इसको बनाने का प्रयास करते हैं और बना भी लेते हैं, है ना। तो धातु की पहचान करते हैं, ठीक है ना। धातु की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ये करेंगे, है ना। देखिए जिन तत्वों के बाहरतम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो वैसे तत्व धातु कहलाते हैं। ये एकदम इम्पॉर्टेंट से याद रखिएगा, जिन तत्वों के बाहरतम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो वैसे तत्व धातु कहलाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल्स ही यही है छात्रगण। अब एकदम सीधे सीधे आप एकदम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, है ना। एग्जांपल देंगे, अब आप अपवाद में सबसे पहले जान जाइएगा कि अपवाद एग्जांपल में सबसे पहले आप, अच्छा छोड़िए अभी बाद में, अपवाद सबसे नीचे लिखा देंगे, है ना। हम किसी भी चीज़ को लेते हैं जो कि पहले मेरा धातु कहलाएगा, है ना। देखिए अपवाद सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम, Li, परमाणु संख्या कितना होता है 3, 2, 1, ठीक है ना। बेरिलियम कितना होता है 4, 2, 2, ठीक है ना। उसके बाद लोग लेंगे आपका सोडियम कितना होता है 2, 8, 1, फिर हम लेंगे 11, 12, 2, 8, 2, एल्युमिनियम 2, 8, 3। आप देख पा रहे हैं छात्रगण कि बाहरतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, बाहरतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, बाहरतम कक्षा में 1, 2, 3। तो जिन तत्वों के बाहरतम कक्षा में एक, चाहे तो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन रहे, तो वैसे सभी तत्व हमारे धातु कहलाते हैं। जिन तत्वों के बाहरतम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो वैसे तत्व धातु कहलाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको एकदम से आत्मसात करके रखना चाहिए, अपने मन में बैठा कर रखना चाहिए, दिमाग लगा करके रखना चाहिए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत अच्छी तरह से आपको याद करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप इसमें रॉन्ग कर सकते हैं। तो जिन तत्वों के बाहरतम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं। तो ये धातु की पहचान हो गई, धातु की आइडेंटिफिकेशन हो गई, जिसको हम लोग इसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पूरी तरह से उतार लीजिए, लेकिन उतारने से पहले आप आ जाइए अपवाद। देखिए पूरी केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो आपको अपवाद, कोई भी विषय में अपवाद होता है। अब देखिए हाइड्रोजन का विन्यास लिखिए बाहरतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का विन्यास लिखिए बाहरतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, है ना। बोरोन का एग्जांपल लिखिए बाहरतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, बोरोन का तो बात ही कर लीजिए। भले ही हाइड्रोजन के बाहरतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के बाहरतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के बाहरतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये धातु नहीं है, ये अधातु है। तो अपवाद के रूप में ये तीनों एलिमेंट्स का नाम याद रखिएगा, एंड दैट इज द हाइड्रोजन, हीलियम एंड बोरोन। तो ये तीनों याद रखने की आवश्यकता है छात्रगण कि हाइड्रोजन के बाहरतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के बाहरतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, बोरोन के बाहरतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन, बावजूद ये तीनों के तीनों जो हैं वो किसी भी कीमत पर
धातु नहीं होंगे, ये अधातु होंगे, जिसको अपवाद में आपने हमने लिखा भी दिया है, हाइड्रोजन, हीलियम और बोरोन, ये अपवाद के रूप में इसको आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी जो हम सब निष्कर्ष पर पहुंच करके आए छात्रगण, वो यही था कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 विन्यास लिख लीजिएगा, कक्षा वाइज विन्यास लिख लीजिएगा, जैसे भी विन्यास लिखना होगा लिख लीजिएगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उसके आधार पर आप जो है डिसाइड कर दीजिएगा कि दिया गया तत्व धातु है कि अधातु है। क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है, हमें क्वेश्चन करवा देते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का, दूसरा आपका है हाइड्रोजन का, तीसरा आपका लिथियम का है, चौथा आपका बोरोन का है, ठीक है। तो एक तो आपको पहले बताए हैं अम वाला उच्चारण से, अम जिसके अंत में उच्चारण करे उस तत्व का और लास्ट में अम से उच्चारण हो, तो यहाँ LI हो गया लिथियम, अम आया तो अम से तो ये नहीं पकड़ा, अम से ये पकड़ा गया तो ये तो आंसर हो गया। अगर ये ट्रिक आप भूल जाए तो सीधे सीधे ऑक्सीजन का होता है 8, इसका विन्यास कर लीजिएगा 2, 6, हाइड्रोजन का 1, अपवाद है बताए थे, लिथियम 2, 1, बोरोन का 2 और 3। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए धातु नहीं होगा, 1 है ये अपवाद है, इसमें भी इसमें 3 है ये भी अपवाद है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा छात्रगण, नहीं तो ऐसे प्रश्नों पे आप कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, गलत करेंगे, जिसे आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए अधातु की पहचान आपको सिखा देते हैं। तो ये हो गया एकदम आसानी से, जिसको दिमाग में बैठा करके आपको रखना है। तो एकदम से आत्मसात कर लीजिए कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे सभी तत्व जो होंगे वो आपको धातु कहलाते हैं। अब आ जाइए चलेंगे अधातु के पास में। अब यहां पे एक और हेडिंग क्रिएट कर लीजिए और वो होगा अधातु की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन मेटल्स, और अधातु की पहचान करना हम सब यहां पर सीखेंगे। तो देखिए ये कहानी क्या कहेगा, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे तत्व अधातु कहलाते हैं। मैंने लैंग्वेज वही लिखा, मिटाया नहीं था छात्रगण, वैसे तत्व अधातु कहलाते हैं। एकदम ये ध्यान लगाइएगा, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे तत्व अधातु कहलाते हैं। 7 क्या, और इसमें 8 भी रख लीजिए, 7 जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे तत्व अधातु कहलाते हैं। 8 वाला का एक विशेष नाम भी है, वो अभी नीचे हम पढ़ाएंगे। मोटा मोटी अभी याद कर रखिएगा कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे तत्व धातु कहलाते हैं। क्लियर ना। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी आप ले लीजिए, है ना, हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन के बाद ये अपवाद हो जाएगा, अपवाद तो हम बाद में ही पढ़ाते हैं, अपवाद हम पहले धातु में भी पढ़ाए हैं, है ना। अब देखिए लिथियम यहाँ पे लेते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, इसका हो गया 2, 4, ठीक है ना। नाइट्रोजन का होता है 7, ये हो गया 2, 5, ऑक्सीजन का होता है 8, ये हो गया 2, 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन का होता है 9, ये हो गया 2, 7, उसके बाद हो गया आर्गन का होता है 18, ये हो गया 2, 8 और 8। आप देख सकते हैं छात्रगण कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये सभी के सभी तत्व हमारे क्या कहलाएंगे, अधातु। और साथ ही साथ दूसरा भी ट्रिक आपको बता दिए हैं कि इन तत्वों का उच्चारण कीजिए, अगर उच्चारण पर अम ना आए, कार्बन अम आया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, तो तत्वों का उच्चारण करें, अगर उच्चारण पर अम से उच्चारित ना हो तो वैसे तमाम तत्व आपके अधातु कहलाते हैं। इन बातों को आप याद रखिएगा। तो ये तमाम आपके नॉन मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स होने के पीछे रीजन से ही रहा कि इन तमाम तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन क्या थे, मौजूद थे। फिर यहाँ पर अपवाद हो जाएगा, और अपवाद के रूप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को लिख लीजिए बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को लिख लीजिए बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन को ले लीजिए बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो देखिए बारतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, बावजूद ये क्या है, अधातु हैं। ये अपवाद के रूप में याद कर लीजिएगा। मेटल्स में भी मैंने ये अपवाद लिखाए हैं, नॉन मेटल्स में भी अपवाद लिखा रहे हैं कि भले ही इनके बारतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, बस तीन ही तो है, लेकिन बावजूद जो है छात्रगण, ये तमाम तत्व तो जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं अर्थात अधातु हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से याद करने की आपको आवश्यकता है। समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से। अब फिर यहाँ पर अपवाद लिखेंगे, एक और अपवाद, अपवाद नंबर वन और अपवाद नंबर दो लिखेंगे, अपवाद दो। और अपवाद दो लिख करके लिख लेंगे, यहाँ हेडिंग क्रिएट कर लीजिए उपधातु का, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटालोइड्स, मेटालोइड्स, उपधातु की हेडिंग बना लीजिए मेटालोइड्स का, मेटालोइड्स का अपवाद नंबर दो जो कि उपधातु का बनेगा। लिखिए उपधातु में, लिखिए। देखिए अब आपको हम बताते हैं अपवाद दो, इसमें याद रखिएगा, जैसे हो गया बोरोन, 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 सिलिकॉन, उसके बाद हर्मेनियम, हर्मेनियम, उसके बाद है टेरेलियम, 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 उसके बाद है आपका आर्सेनिक और एंटीमनी, टेल्यूरियम है, टेलीरियम, टेलीरियम, उसके बाद है आर्सेनिक और उसके बाद है एंटीमनी, ठीक है ना। इतना सारा तत्व तो है जिसको याद रखिएगा। ये हो गया बोरोन, बोरोन, ये हो गया सिलिकन, सिलिकन, ये हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये हो गया टेल्यूरियम, 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 ये हो गया आर्सेनिक, आर्सेनिक, और ये हो गया एंटीमनी, ठीक है ना। सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख दिए हैं छात्रगण। ये याद रखिएगा कि ये तमाम तत्व जितने सारे आप तत्व देख रहे हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी के सभी तमाम तत्व जो होंगे वो उपधातु कहलाते हैं। अर्थात उपधातु किसको कहा जाता है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण अपने आप में समाहित किए हुए रहते हैं। इन तत्वों को उपधातु, मतलब थोड़ा सा धातु का भी गुण मिल जाता है, थोड़ा सा अधातु का भी गुण मिल जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से ये क्या होते हैं, समाहित होते हैं छात्रगण। इस कारण इनको धातु और अधातु के गुण होने के कारण इसको उपधातु कहा गया है। और इनको बहुत ही अच्छा स्थान दिया गया है, पूरे पीरियोडिक टेबल पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसको स्थान दिया गया है। इन तमाम उपधातुओं को बहुत ही अच्छी तरह से स्थान दिया गया है। तो छात्रगण आप देख पा रहे होंगे कि पूरे जब हम इनकी बातें करते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो ये आपको पता चल पाता होगा कि किस प्रकार से उपधातु हैं। अब इन सभी उपधातुओं के बारतम कक्षा में आप देख लीजिएगा, बोरोन का देख लीजिए कितना है, 5 है, 2 और 3, सिलिकन का कितना है, सिलिकन का 14 होता है तो 2, 8, 4 होता है। इन जर्मेनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके बारतम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। बाकी ये सभी जो है उपधातु कहलाते हैं, अधातु इनमें मत लिख दीजिएगा, ये उपधातु होंगे। और सबसे अच्छा बेटर पोजीशन क्या होगा कि इन सभी का नाम आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। और याद किस रूप में करना चाहिए, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, इन छों का नाम याद कर लीजिए, आपका उपधातु भी खत्म हो जाएगा। तो तीन पड़ाव हमने अभी तक के क्लास में सीखा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। एक और चौथा चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है अक्रिय गैस, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उपधातु क्लियर हो गया, उपधातु में अब थोड़ा सा डैश करके आपको नीचे लैंग्वेज लिखना है उपधातु में, है ना। उपधातु का हम हेडिंग बनाए हुए हैं अपवाद के रूप में, उपधातु में जस्ट उसी के नीचे लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसे तत्व भी हैं, हाँ उसी के नीचे डैश दे करके, कुछ ऐसे तत्व भी हैं, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनमें धातु तथा अधातु, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं,
धातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें धातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। ये उपधातु बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक और एंटीमनी हैं। ठीक है, एंटीमनी है, फुल स्टॉप, नीचे बुलेट। ये उपधातुएं बहुत ही उपयोगी हैं, ये उपधातुएं बहुत ही उपयोगी हैं कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं। ओके, ये लाइन नोट कर लीजिए, दैट्स इट। यहाँ तक फुल स्टॉप करा लगा लीजिए, कहानी यहाँ से खत्म हो जाता है, उपधातु क्लियर हो गया। अब आइए अक्रिय गैसों की बातें करेंगे आपके सामने। छात्र, अब जब हम अक्रिय गैसों को देखिए, इसका नाम जाइए अक्रिय गैस, स्पेशल नाम अक्रिय गैसों का, इसकी बातें करेंगे तो आपको अपने आप सब कुछ जो है अभी क्लियर होगा इन अक्रिय गैसों का। हमारे पास अब आ रहा है अक्रिय गैस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस, और इसको और एक नाम कहते हैं, अक्रिय गैस हो गया, इनर्ट गैस, ठीक है ना। जब अक्रिय गैसों की बातें करते हैं छात्रगण, हम सब इनर्ट गैस की बात करते हैं। देखिए, इसका नाम ही है अक्रिय। अक्रिय मतलब क्या? कोई क्रिया नहीं करेगा, एकदम ठेठ रहेगा, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रिएक्शन ये नहीं करता है छात्रगण, इस कारण इसको अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। इस पूरे इनर्ट गैस पर जब आप कल्पना करते हैं, जब बातें करते हैं कि अक्रिय गैस होते क्या है, कैसे काम करते हैं, तो हम इसकी चर्चाएँ बहुत अच्छा से आपके बीच में करना चाहते हैं। देखिए, अक्रिय गैस यानी कि जो इनर्ट गैस होता है छात्रगण, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और पूरे आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उसमें 6 प्रकार के अक्रिय गैस पाए जाते हैं। अक्रिय गैस की कुल संख्या है 6। कौन कौन है? तो हीलियम, उसके बाद आपका है नियोन, उसके बाद है आपका आर्गन, उसके बाद आपका है क्रिप्टन, उसके बाद है ज़ेनन, उसके बाद है आपका रेडॉन, और उसके बाद है यूकोकोबियम, UCO, है ना, रेडॉन, और ये है ओगानेशॉन है एक्चुअली में, यूकोकोबियम नहीं, ओगानेशॉन, ओजी, है ना, ज़ेनन, रेडॉन और ओगानेशॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल संख्या, ये ओगानेशॉन हाल में खोजा गया है। तो ये कुल प्रकार के आपके 7 जो हैं वो आपके कंप्लीट रूप से आपके अक्रिय गैस हैं छात्रगण, जिसे आपको याद रखना चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन और ओगानेशॉन। ये पूरी कहानियां हैं छात्रगण, जिसको आपको दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन और ओगानेशॉन, ये कुल 7 जो हैं जिनको हम लोग अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कहते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वातावरण में ये मौजूद हैं और ये हमारे अन्य कई चीज़ों में काम आते हैं। भले ही रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं भले, आपने देखा होगा छात्रगण
कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो आर्गन गैस भरी रहती है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी रहती है, तो हीलियम गैस भरी रहती है। सबसे हल्का गैस कौन होता है, तो हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का गैस अगर कहा जाए तो हीलियम होता है। तो छात्रगण आप देखिए कि इसके कितने सारे यूजेस हैं जो कि आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। आइए अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरी तरह से, है ना। तो अक्रिय गैस की हेडिंग बनाइए, इनर्ट गैस का कुल संख्या लिखिए 7, सबका नाम लिखिए पहले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन और ऑर्गेनोसॉन लिखिए। इसके नीचे बुलेट लगाइए छात्रगण और डैश दे करके लिखिए। जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में, जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम से 8, जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा 12वीं कक्षा में, ना तो एक ज़्यादा ना तो एक कम, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। वैसे तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। ये एकदम से दिमाग में रखिएगा कि जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वैसे तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। अक्रिय गैस कहलाने का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वो लिख लीजिए, ये तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं छात्रगण, बस इसमें केवल अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद में इसका कौन हो जाएगा, हीलियम। हीलियम के 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बावजूद ये अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। हीलियम के 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बावजूद ये अक्रिय गैस है छात्रगण, अर्थात ये अपवाद में चला जाएगा मेरा हीलियम। इस अपवाद को मत लीजिएगा और नीचे आ जाइएगा सीधे सीधे बढ़ते हुए। अब उस नीचे बढ़ते हुए जब अपवाद के बाद हम बात करेंगे, हीलियम का 2 हो गया, अब नीचे आइए हम नियॉन को लेते हैं। नियॉन के 12वीं कक्षा में लिखिए इसका 10 होता है। आर्गन की बात करते हैं, आर्गन का 18 होता है, 2, 8, 8। अगर हम क्रिप्टन की बात करें, इसका होता है 36, आप देखिएगा 12वीं कक्षा में 8 रहेगा। ज़ेनन की बात करते हैं तो 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8। तो हम कोई भी विन्यास लिख ले, इसके 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होगा, अपवाद के रूप में हो जाएगा हीलियम, इसके 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वैसे तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। और चूंकि देखिए 12वीं कक्षा पूरी तरह से इसका भरा होता है, पूरी तरह से देख लीजिए इसकी 12वीं कक्षा भरी हुई है, 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा भर जाता है, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होती है, 0। तो ये भी यहाँ पे डैश देकर के आपको नोट बना करके लिखना चाहिए, अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, 0 होती है, जिसे आप सबों को याद करके रखना चाहिए छात्रगण। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, ये हो गया। अब चलिए नीचे आ जाइए, अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, इसको लिख करके नोट डाउन कर लीजिएगा और नीचे डैश लगाइएगा, ये पूरा सब कुछ लिख लीजिएगा, कौन कौन होता है, क्या होता है, नीचे डैश लगाइए। ऑर्गेनोसॉन, एक लैंग्वेज लिखिए यहां पर, ऑर्गेनोसॉन जिसको हम लोग बोलते हैं ओजी, ऑर्गेनोसॉन यानी कि ओजी, ऑर्गेनोसॉन ओजी एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसकी खोज हाल ही में की गई है। नीचे बुलेट, हीलियम तत्व की खोज, अक्रिय गैसों में जो हीलियम है, हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था, लोकेयर ने किया था। जबकि अन्य अक्रिय गैसों की खोज रैमजे एवं रैले, देख के लिखिएगा, रैमजे एवं रैले ने किया था। हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था जबकि अन्य अक्रिय गैसों की खोज रैमजे एवं रैले ने किया था।
फुल स्टॉप, नीचे बुलेट। हीलियम तत्वों का प्रयोग, हीलियम तत्वों का प्रयोग हवाई जहाज के, हीलियम तत्वों का प्रयोग हवाई जहाज के टायर में हवा भरने के लिए किया जाता है। नीचे बुलेट। सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं, सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन गैस पाया जाता है, वायुमंडल में अक्रिय गैसों में, वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा आर्गन की होती है, AR, आर्गन का संकेत है AR। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन गैस पाई जाती है अक्रिय गैसों में, जबकि सबसे कम मात्रा में ज़ेनन, परमाणु संख्या 54 होता है, छात्कन 54 होता है, परमाणु संख्या ज़ेनन XE, ये देखिए यहाँ लिखे हुए XE7, जबकि सबसे कम मात्रा में ज़ेनन XE पाया जाता है, फुल स्टॉप। वायुमंडल में रेडॉन, परमाणु संख्या रेडॉन की है 86, वायुमंडल में रेडॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो छात्रगण आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी तरह से अक्रिय गैस जिनकी संख्या इन दिनों 7 हो गई है, और आवर्त सारणी में ये सबसे अंतिम वर्ग के सदस्य हैं, वर्ग नंबर 18 के सदस्य हैं ये। यहां पर पीरियोडिक टेबल जो है, यानी कि जो आवर्त है वो खत्म होता है, वर्ग यहां पर खत्म होता है। सबसे अंत में पीरियोडिक टेबल में आप इसको देख पाएंगे छत्कन, इन तमाम तत्वों को अभी हम दिखाते हैं आपको ले जा करके, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण बातें। इन अक्रिय गैसों की संख्या 7 है। चलिए राजपाल साहब थोड़ा सा हमको ले चलिए तो उधर पे, वहाँ ले चलिए पीरियोडिक टेबल के पास ले चलिए बच्चों को। आप देख पा रहे होंगे छात्रगण कि किस प्रकार से यहाँ से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन और ओगानेशॉन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 के 7 जो है छात्रगण, ये पूरी तरह से आपको जो है ये पाए गए हैं, ऑलरेडी हैं। और एक अन्य अक्रिय गैस की भी खोज जो है इधर कर लीजिए, इन अन्य अक्रिय गैसों की खोज भी जो है वो छात्रगण एक और कर ली गई है जिसका नाम है यूकोकोबियम, इसकी भी खोज कर ली गई है, लेकिन अभी आवर्त सारणी में उसका स्थान नहीं है, लेकिन आप दिमाग में रखेंगे इसको भी, है ना। ओगानेशॉन के बाद यूकोकोबियम, याद रख लीजिएगा यूकोकोबियम, UCO उसका संकेत रखा गया है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में अभी उसको जगह दे पाने में हम सब कामयाब नहीं है, हालांकि वो अक्रिय गैस में ही कंसिडर किया जाएगा। तो नई इन्वेंटेड अगर पूछा जाए कि अक्रिय गैस कौन है, तो यूकोकोबियम उसका नाम दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी साथ ही दिमाग में रखेंगे आप सब। तो इस प्रकार से जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई छात्रगण, तो अक्रिय गैसों से 2-3 क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आता है। सबसे सुपरहिट क्वेश्चन अक्रिय गैस से पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, वर्तमान में आप आंसर दीजिएगा 7। अक्रिय गैस को अक्रिय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, इसको इनर्ट गैस कहते हैं, जीरो गैस कहते हैं, चूंकि जीरो इसकी संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवाद के रूप में हीलियम जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। दूसरा, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको अक्रिय गैस की संयोजकता कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन।
ओके फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अक्रिय गैसों में हीलियम की खोज किसने की थी, तो हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। पूछेगा कि अक्रिय गैसों में अन्य अक्रिय गैसों की खोज किसने की है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा अन्य अक्रिय गैसों की खोज रैमजे एवं रैले ने की है। दिमाग में बैठा कर रखेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है छात्रगण, और आपको बहुत अच्छी तरह से इसे माइंड सेट करके रखना चाहिए। पूछेगा कि अक्रिय गैस में कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपका जवाब होना चाहिए आर्गन। पूछेगा कि अक्रिय गैसों में कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, आपका आंसर होगा ज़ेनन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, आंसर होगा रेडॉन। कौन सा अक्रिय गैस हवाई जहाज के टायर में हवा भरने के काम आता है, आंसर होगा आपका हीलियम। तो ये तमाम सुपर डुपर हीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस बिजली के बल्ब को बनाने में काम आता है, तो आर्गन गैस। बहुत ही हीट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है छात्रगण, जिसको आपको मन में बैठा कर रखना चाहिए, माइंड सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नादानी और थोड़ी सी गलती जो है आपको चैप्टर में बहुत पीछे ले जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप बैठा करके रखेंगे। तो आज की क्लास भी छात्रगण इन अक्रिय गैसों के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में जब आपसे हमारी मुलाकात होगी तो हम ग्रुपों में जो है इसका अध्ययन करना शुरू कर देंगे छात्रगण। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब्बा खैर, बाय।